नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Amazon पे आप क्रिएट कर चुके हैं और अपने अकाउंट को Amazon पे में रजिस्टर्ड कर चुके हैं, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने अकाउंट को Amazon पे से कैसे रिमूव करें, कैसे अपने UPI ID को Amazon पे से डीलिंक करें, मतलब कि डिलीट करें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अमेजन पे से अपने बैंक अकाउंट या फिर अपने UPI ID को हटाने के लिए ओपन करते हैं अपने अमेजन ऐप्स को। अमेजन ऐप्स ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा अमेजन पे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अमेजन पे, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अब दोस्तों अमेजन पे पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपकी UPI ID दिखती है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा UPI ID के पास। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, स्कैन UPI और सेंड मनी, पेंडिंग UPI ट्रांजैक्शन, लेकिन हमें अपने UPI ID को अमेजन पे से हटाना है, डी लिंक करना है, तो इसके लिए आपको नीचे आ जाना होगा और नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा मोर ऑप्शन, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोर ऑप्शन, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक फाइनली ऑप्शन मिल जाता है डी रजिस्टर्ड अमेजन पे UPI, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे इसे डी रजिस्टर्ड करने के लिए। और यहाँ पे आपको ये कंफर्मेशन पूछ रहा है यस डी रजिस्टर्ड अमेजन UPI ID, तो क्लिक कीजिएगा आप यस अगर आप इसे डी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि यू हैव डी रजिस्टर्ड फॉर अमेजन पे UPI, आप यहाँ से अपने UPI ID को डी लिंक डी रजिस्टर्ड कर चुके हैं। और यहाँ पे आते हैं हम बैक, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे UPI ID नहीं शो कर रहा है। तो इस तरह से आप अमेजन में अपने UPI ID को डीलिंक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।